Really? السلام عليكم. هاي الله. اور تو مجاہدین کیا رزلٹ ہے؟ ہائے 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 لیپ ٹاپ لائے ہو؟ ویری گڈ. بیٹھے رہنا آج یہاں پہ چلائیں گے तो जनाब उसको चला लेंगे. आज लैपटॉप लाए हैं? बस ठीक है. ये हमारे देखें हमारे उस्ताद मोहतरम इमरान साहब यहाँ बैठे हैं, बढ़ चढ़ के आपको लैब करवा देंगे. यूनिवर्सिटियां ऑफ हो गई आज क्लासेस? मेरा ख्याल था शायद आज इधर का भी ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा सेटअप. अच्छा वो प्रोग्राम जो ये लोग चला रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि मस्जिद उसी शेडो में ही हम लोग फिर ये क्लासेस चला रहे हैं. चल जाओ. चौधरी ने भी कनेक्ट कर.
गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आपके सामने कोई छींक मारे और उसने मास्क ना पहना हो उसे फायर मार दे। और तू कौम की अमानत के सामने बैठ के छींके मारता है, वो भी दो दो तीन तीन, तुरा निकल जाता है ऐसे ना जी। आप तीनों गोरमे में आप सऊदी अरब में था टेलीफोन एक्सचेंज। अच्छा, तो दो तीन महीने हो गए आए हुए वहां से, तो फिर था तो इसलिए तो अब जाना है आपने वापस सऊदी है। अभी फिलहाल नहीं जाना, लेकिन ये थोड़े हालात बेहतर होते हैं कोविड के जो सिस्टम का स्मॉल है। अच्छा, जाना है आपने वापस, एक्सचेंज में थे आप वहाँ पे? तो आपने गोरमे छोड़ दिया? इस क्लास के बाद वाली क्लास में चार बंदे आते हैं गोरमे हेड ऑफिस से। आठ मिनट नोट करता जाए इमरान, जो जितना लेट आया चिटे भाई का लिख, आठ मिनट लेट आए, बल्कि साढ़े आठ मिनट लिखना। चल जाओ, मशीन को क्या हुआ है? चले, लास्ट हमने क्या देखा था जी? आयफर पासवर्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ जो दो तीन लेक्चर हो जाएंगे फिशिंग पे। इब्तदा वाईफाई की एक तरह से बना देता हूँ। वाईफाई में टाइप ऑफ फिशिंग कह सकते हैं, एक्चुअल में तो फिशिंग का कंसेप्ट, फिर अगर वाईफाई में देख लेता हूँ। चल जाए मशीन, मशीन नहीं, तीन मिनट ले लिए। देखो चिट्टा भाई, आपकी वजह से मशीन लेट कर रही है, अब लेट आए तो ये भी देखो लेट चल रही है। अब जो लेट आएगा मैं बात उस पर डाल दूंगा। चल जाओ, एक बार फिर मैं रीबूट कर रही था, घंटा हो गया, टोन टोन हो गई मशीन। चलो चलें जी, हमारे अब सेशन स्टार्ट होते हैं फिशिंग के। फिशिंग मीन्स के आपको फेसबुक के कुछ लिंक मिलते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रॉपर फेसबुक का लॉगिन पेज आता है, या जीमेल का, या जितने लॉगिन पोर्टल है, याहू हो, पेपाल हो, आजकल तो AWS का भी लॉगिन पोर्टल है। तो उस पर आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया और वो यूजर नेम पासवर्ड कोई ले उड़ा, यूं समझ लें आपने जैसे यूजर नेम पासवर्ड देना है बिल्कुल सामने फेसबुक का पेज होगा, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है और आपने भी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया होगा, वो मैं बताऊंगा। आपका यूजर नेम पासवर्ड कोई ले उड़ा, कैसे पता लगेगा कि ये फिशिंग पेज था? बीसों निशानियां हैं, एक पक्की ठक्की कि यूजर ने पासवर्ड को दोबारा मांगेगा आपसे, क्योंकि फ्रंट पे कौन सा पेज होना है, फिश पेज, एक्चुअल पेज पीछे होना है रीडायरेक्शन पे। फेसबुक के फिश पेज की ज्यादातर रीडायरेक्शन भी किस पे होती है, एक्चुअल facebook.com पे। आपके सामने फेसबुक पेज आ रहा है, आपने लॉग इन किया फेसबुक पे और
वो फिर फेसबुक पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब आपका एक्चुअल लॉगिन है, जो प्रीवियस लॉगिन था, वो यूजर नेम पासवर्ड जिसने ये पेज आपको भेजा था वो ले उड़ा। इसको हम क्या कहेंगे? फिशिंग। ये मोबाइल लॉगिन पे भी हो सकती है, ये आपके विंडोज के लॉगिन स्क्रीन पे भी हो सकती है, और इससे से मिलता जुलता उसको मैं जबरदस्ती अब फिशिंग कहूंगा। एक्चुअल में सही पूछें तो प्रॉपर शब्द में उसको फिशिंग कंसेप्ट ना दूं, वो भी एक तरह का धोखा ही है, क्योंकि कुछ टूल्स में फिश पेज के तौर पे इस वर्ड को बोला गया, तो मैं भी इसको कह सकता हूँ। वाईफाई में भी एक तरह से आपको एक फेक एपी दिया जा सकता है, वो फेक एपी बेसिकली फिश पेज होता है। फेक एपी क्या होता है? फिश पेज। कि जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कुछ चल रहा है ना, ये कॉर्बेट सीआईटी, कॉर्बेट क्लाउड एआई, रेड हैट। तो अब मैं अगर इस रेड हैट को क्लिक करता हूँ तो इसने कहना ठीक है कनेक्ट करें, यूजर नेम पासवर्ड दें, सॉरी सीधा पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मेरे पास नहीं है रेड हैट का, तो हमने एक ट्राई की, इसका हैश उठाया, और हैश उठाने के बाद उसमें मैंने कहा ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन में दिखा दूंगा, मेरे ख्याल वो ब्रेक कर चुका होगा जो इसका पासवर्ड था। हमने उसके ऊपर ब्रूट फोर्स किया, कुछ हद तक कामयाबी मिली, और ऑनलाइन डाल दिया। मैंने कहा तो गारंटी आपको मिल ही जाएगी हैश, लेकिन अगर हैश बहुत स्ट्रांग है ऑनलाइन पे भी मुमकिन है, टाइम लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, तो उसका एक अटैक फिश पेज भी है, मीन्स फेक एपी। फेक एपी का मतलब है रेड हेड के ऊपर अटैक करो, और ऐसा अटैक करो कि रेड हेड का पूरा एपी का इंटरनेट बंद हो जाए, और वहां रेड हेड नाम का ही एक और एपी चला दो। तो जब एक एपी से आप कनेक्ट नहीं हो सकेंगे, यकीनन आप देखेंगे अच्छा ये मेरा एपी चल रहा है, शायद ये होगा, तो आप किस एपी से कनेक्ट होंगे? दूसरे से, सेम नेम है, शायद 60-80% लोग ये सोचेंगे भी नहीं कि ये सेम नेम क्यों आ रहे हैं। अक्सर कहेंगे हाँ कोई इशू होगा, तो वो फौरी तौर पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे हो जाए। तो जो एक्चुअल एपी है उस पे तो आप चला देंगे डी ऑथ, एक्चुअल एपी पे क्या चला देंगे? डी ऑथ। जो फेक एपी है वो ओपन है। अब जैसे फेक एपी से कनेक्ट होंगे, ये आपसे क्या मांग लेगा कि जनाब कुछ इंटरनेट में इशू आ रहे हैं, पासवर्ड दोबारा दें। तो उसको मजीद आइडिया हो जाएगा कि वाकई इस वजह से शायद दो एपी आ रहे थे कि कोई इंटरनेट में आ सकता है मसला। अब ये ब्यूटी है कि वो जो लॉगिन पेज आना है, पोर्टल है, वो फेसबुक का पासवर्ड भी आपसे मांग सकता है। ज्यादातर लोगों को फिर शक पड़ता है कि इंटरनेट लेने में फेसबुक का पासवर्ड कहाँ से आ गया। उसमें अक्सर हम एक पॉपुलर फेक पेज होता है फर्मवेयर अपडेट, तो जनाब वो फर्मवेयर अपडेट हो रहा है आपके जो राउटर का, तो वो रीस्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से आप दोबारा एक दफा आईपी वो देके पासवर्ड देके कनेक्ट कर लें। तो आपने पासवर्ड देके कनेक्ट करना है, अगर आपका पासवर्ड ठीक हुआ तो वो एपी बीच में से निकल जाएगा, और आपको असली एपी मतलब वो डीआरएस भी खत्म कर देगा। उसको कैसे पता लगेगा कि ये पासवर्ड जो इसने दिया ये ठीक है? क्योंकि वो पहले फोर वे हैंडशेक उठा लेगा, पहले वो, तो आपने जो टेक्स्ट टाइप करना है आपके टेक्स्ट को उस फोर वे हैंडशेक के साथ क्या कर लेगा, वो मैच। गल समझ आई? इसको हम कहते हैं एक तरह से ये फेक एपी फिशिंग है। तो इब्तदा यहीं से कर लेते हैं, और जो फेसबुक का फिशिंग प्रॉपर है या जीमेल का है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एक्सपेक्टेड मेरी नेक्स्ट क्लास ऑफ है। ये मैं आपको इसलिए बता दूं ताकि आपने कोई अपना वर्क प्लान करना है तो कर लें। एक्सपेक्टेड मेरी नेक्स्ट क्लास, बल्कि मैं एक्सपेक्टेड भी नहीं कहता, मैं कंफर्म कर देता हूं कि नेक्स्ट कब होनी है हमारी, वेनसडे ना, वेनसडे को हमारी क्लास ऑफ है। मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियत है, मैं कुछ 2-3 छुट्टियों पर जा रहा हूँ, तो वेनसडे को इंशाल्लाह हमारा सेशन नहीं होगा। जी बिल्कुल, आरएससी की भी क्लास नहीं होगी, और वो आपके जितने ग्रुप्स हैं उस पर वो सारी शिराज भाई को मैं प्लान बता दूंगा, उससे वो सारे ग्रुप्स में डाल देंगे। तो मेरी 2 या 3 दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो कोई क्लास भी मैं नहीं लूँगा। इंशाल्लाह मैं शायद
आके फ्राइडे से रिज्यूम करूं, मींस आपकी ही क्लास से फिर रिज्यूम करूं। तो ये लें जी, मैं इसको करता हूं ओपन। तो डॉक्टर आ रहा मेरा, देख लें ऐसे जी। अच्छा, अब अगर आपने फेक फिशिंग पेज बनाना है ना, 20 टूल्स आपको मिल जाएंगे, 20 टूल बहुत है। तो जो मैंने यूज किए हैं, मैं 12 कहता है आपको, जरूरी नहीं वही अच्छा हो, आप यूज कीजिएगा। मुमकिन है आप कोई ऐसा टूल ढूंढ लाएं जो शायद क्लास में पढ़ाए हुए टूल से भी बेहतर हो, तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हुए बताऊंगा भी कि मेरे स्टूडेंट ने ढूंढ के दिया था, फील्ड ही ऐसी है। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि अब टूल्स पे हम जाएंगे, ये बाहर का पहला टूल हम यूज करेंगे। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो है फ्लगजन, और फ्लगजन का भी ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन में इश्यूज है, न्यू वर्जन की स्टेबिलिटी स्टिल इवन अपडेट भी हुआ है। पिछली क्लास में भी मैंने ये एक्सक्यूज दिया था, अभी तक न्यू वर्जन में कुछ इश्यूज हैं, कुछ फीचर्स इन्होंने नए डाले हैं, लेकिन तो नए फीचर्स के साथ साथ जो समझ लें पुराना इसका एक्चुअल काम है उसकी स्टेबिलिटी में कुछ मसले हैं, ये सही अटैक नहीं करता। न्यू वर्जन जो है इसका, जो ओल्ड वर्जन है वो मेरे पास पड़ा है, मैं वो दिखा दूंगा आप सबसे, फिर शेयर भी कर दूंगा। इमरान भाई आज याद रखना, आपको दूंगा ग्रुप पे ये डाल दीजिएगा, ठीक है। तो और दूसरा है वाईफाई फिशर। अच्छा मैं लिख दूंगा वाईफाई फिशर, ये दोनों टूल देख लेते हैं। और इसके बाद आपने लैब इसकी तो कर ही लीजिएगा, कोई मसला नहीं। मैं उम्मीद रखूंगा हर शख्स फिर अपना अपना कोई टूल ढूंढेगा, ताकि आपको कुछ सर्च करने की हैबिट बने। वाईफाई फिशर तो बहुत ही आसान है, इवन एपीटी में भी पड़ा हुआ है, एपीटी इंस्टॉल वाईफाई फिशर, मैंने टैप किया कंप्लीट हो गया, ये तो यहीं पड़ा हुआ है। नोट किया नहीं जी, मैं अभी इसको नहीं चला रहा, मैं फ्लगजन बता देता हूं, ताकि मैं आपको एक नए स्टाइल की तरफ ले जाऊं जो कि हम आगे बहुत यूज करेंगे। 1-3 टूल्स तक तो मैं आपके सामने ये टूल इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद मैं क्लास में आते हुए टूल इंस्टॉल करके लाऊंगा। उसकी वजह है आपको समझ आ जाएगी बात कि मैं ये टूल इंस्टॉल करके क्यों आया। अगर वो टूल्स मैंने आपके सामने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी तो समझ लें पूरी पूरी क्लास आप बस बैठे रहेंगे, मशीन मेरी कुछ ना कुछ करती रहेगी, तो आप मजबूरी समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ बेसिकली अब जा रहा हूं। बहुत सारे टूल अब काली लाइनक्स में ऐसे हैं जो कि आपकी रिपोजिटरी मीन एपीटी में नहीं पड़े, मोस्टली नहीं पड़े हुए, तो वो टूल हम लोग लेके आते हैं गिट से। वो हम कहां से लेके आएंगे? गिट से। Git is a community site, और अभी बहुत बड़ा ये समझ लें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दुनिया में डेवलपर्स हैं काम करते हैं वो Git पे अपलोड कर देते हैं। तो GitHub जिसको हम बोलते हैं GitHub.com, तो खुद आप अपनी वहां रिपोजिटरी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लगजन टूल है ये आपकी रिपोजिटरी में नहीं है, ये आपकी रिपोजिटरी में, ये आपको कहां से उठाना पड़ेगा? गेट से। और आने वाले दिनों में मैं शायद ऑलमोस्ट टूल जो यूज करूंगा वो रिपोजिटरी में नहीं होंगे, वो कहां से उठाऊंगा मैं? अच्छा मैं आपको यहां से दिखाता हूं, कोई मसला नहीं, मैं बताता हूं बच्चे। यहां
तरह चेक, मेरे पास ये टूल्स पड़े हुए हैं, ये जितने टूल्स पड़े हैं, अच्छा नए फोल्डर हैं, हर फोल्डर के अंदर फिर टूल्स हैं, ये सारे के सारे टूल्स मैंने कहां से उठाए हैं, बेसिकली गिट से उठाए हैं। गल समझ आती? अब इसलिए मैंने कहा आपके सामने ये टूल इंस्टॉलेशन, और ये एक तरह से आज भी आपके सामने तरीका बताऊंगा, एक दो टूल और भी गिट से मैं आपके सामने कैसे उठाता हूँ, कैसे इंस्टॉल करता हूँ, तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं टूल का सिर्फ नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि मैंने गिट से उठाया, कैसे उठाते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। वो अगर मैंने क्लासेस में ये काम शुरू किया, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा कि क्यों मैं इसे अवॉइड करूंगा, और मैं ये पहले करके लाऊंगा ताकि टाइम से वो आपके सामने इंस्टॉलेशन प्रोसेस में टाइम वेस्ट ना हो। ओपन करते हैं जनाब फायरफॉक्स, यहां से ओपन कर लें या फिर सीधा सीधा लिख के। तो मशीन मेरी थोड़ी स्लो हो रही है, बल्कि मैं नेक्स्ट मशीन भी आपके लिए एक और बनाऊंगा। इस मशीन पे बहुत सारे टूल मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं और कुछ टूल में फिर कंफ्लिक्ट भी आ रहा है, कुछ ज्यादा ही इस मशीन पे मेरी टेस्टिंग है। बहरहाल मैं पे यहाँ पे लिखता हूँ फ्लक्शन गिटहब, ये लें जी ऊपर ऊपर आ गया कि जनाब कहां से उठा लें, github.com फ्लक्शन नेटवर्क, ये इनका ऑफिशियल पेज है, फ्लक्शन नेटवर्क ये इनका ऑफिशियल पेज है। मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, वो टूल्स को जब आप इंस्टॉल करें वो अपने ऑथर्स का नाम बताते हैं, वो ऑथर्स फिर अपना ऑफिशियल पेज भी बताता है। तो बाकी ये सवाब नहीं है कि आप उसके ऑफिशियल पेज से उठाएंगे, समटाइम वो खुद ऑथर साहब ने दो महीने तक हाथ नहीं लगाया होता, किसी और बंदे ने उसका सोर्स कोड उठा के उसमें चेंजेस करके उसको मजीद बेहतर किया होता। ये जब आप गिट के टूल यूज करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, फिर आप कंपेरिजन करेंगे कि नहीं वो दो महीने पहले मैंने ये टूल यूज किया था गिट से, उसमें फलाना फीचर नहीं था, अब दो महीने बाद मैंने गिट से उठाया वही टूल, अब उसमें फलाना फीचर आ गया। तो मैंने कहा ये एक आपकी मेंटालिटी मैंने सेट करनी है। ये लें जी इसको, लिंक को मैंने किया ओपन। अच्छा, इसमें जो टूल इंस्टॉल करने का प्रोसीजर है वो कोई फिक्स तरीका नहीं है। नॉर्मली हम कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नाम क्या बचे, मुस्तहसन, कैसे इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, जानिए मैं काली का पूछ रहा हूँ, क्या करते हो, मैं कौन सा मोबाइल एप्स पढ़ा रहा हूँ, घबरा जाते हो सवाल से। जी बोलो काली, बोलो मुस्तहसन गया एक सवाल पे, ठहर जो से जोर लगाने दो। जी बोलो, अभी आवाज भी आई है मुस्तहसन, क्या करते हो, इस तरह तो ना करो यार, इससे बेसिक सवाल नहीं हो सकता। एपीटी इंस्टॉल अभी बताया भी है, मतलब प्रैक्टिस कोसों दूर लग रहे हो मुझे बहुत ज्यादा। एपीटी इंस्टॉल से नहीं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते, अभी बताया था वाईफाई फिशर कैसे इंस्टॉल करना है, एपीटी इंस्टॉल वाईफाई फिशर ऐसा, तो ये एपीटी से नहीं होना, ये जो गिट वाले हैं, और गिट वाले जो टूल हैं वो जरूरी नहीं उन सबका तरीका एक हो। ये देख रहे हैं ये सारा टूल पड़ा हुआ है, ये सारी उसकी जो चीजें हैं पड़ी, ये नीचे अक्सर टूल अपनी स्टोरी में तरीका बता रहे होते हैं कि हमें इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। ये देखो ये क्या बताता है, एक कमांड होती है गिट क्लोन, एक कमांड होती है, आगे देखो ये पाथ दे रहा है वो, और ये पाथ ऊपर ऊपर भी दिया हुआ था, वो कहता है डाउनलोड करें यहां से, ये देखें कोड क्लिक, वो कहता है या तो यहां से डाउनलोड कर लें या ये पाथ है, ठीक। अच्छा इस पाथ को अगर आप देखें तो ये एंड पे क्या बता रहा है, ये फ्लक्शन डॉट गेट, ये बन रहा है ना, सेम उसने यही तरीका नीचे भी दिया हुआ, और ये मैं पाथ दूंगा यहां पे, चले मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूं, राइट क्लिक कॉपी, यहां पे गए, मैं एक फोल्डर बना लेता हूं वाईफाई नाम का रूट पे, उसके अंदर चले जाते हैं, एम्प्टी फोल्डर है, एम्प्टी किधर है, इसमें मेरा कुछ पहले से पड़ा हुआ है, शाबाश है,
अच्छा मैं सामने चला गया था, एक मेरा होम डायरेक्टरी में भी पड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ है, यहाँ पे इसको करते हैं जनाबे वाला पेस्ट, यही पाथ था ना, एंटर किया उसने कहा भाग जो, मैं क्या करूं इसका। इसके स्टार्ट में आपको लिखना होता है गिट क्लोन, गिट क्लोन। अच्छा सुन लें सुन लें बिल्कुल, क्योंकि आप बिगनर हैं, मुमकिन है ये लिख के भी आपको एरर आ जाए, गिट कमांड नॉट फाउंड, मुमकिन है इस पे भी एरर आए गिट कमांड। अगर आपको गिट कमांड नॉट फाउंड का एरर आए तो पहले फिर ये कमांड चलाइएगा पीपीटी इंस्टॉल गिट, एपीटी इंस्टॉल गिट। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल है और मोस्टली ये आपको टूल इंस्टॉल ही मिलेगा, लेकिन आइडिया हो कहीं पे ना हो तो आपने गिट इंस्टॉल कर लेना और फिर मुसलसल मैं यकीनन इस कमांड को चलाऊंगा। गिट के थ्रू डाउनलोड करना तो क्या बनता है, गिट स्पेस क्लोन, आगे जो गिट का पाथ है ये देख लो पूरा github.com फ्लगजन नेटवर्क ये इसको डाउनलोड कर रहा है, ये अब ये याद रखिएगा गिट के ऊपर दो तीन तरह किस्म के टूल मिलेंगे, तो जो से समझिएगा फिर मैं बता रहा हूं, मैं आगे कोई चार लेक्चर गिट टूल आपके सामने उठाऊंगा, इंस्टॉल करूंगा, मैं गिट करूंगा, उसके बाद मैंने कहा मैं मुसलसल गिट के टूल यूज करूंगा इंस्टॉल, डाउनलोड तो ऐसे करेंगे उसको, अच्छा अगर मींस पाइथन डॉट गो ये भी एक लैंग्वेज है, इसमें भी स्क्रिप्ट बनते हैं, डॉट रूबी इसमें भी आपको कुछ स्क्रिप्ट मिलेंगे और डॉट 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 और भी कुछ मिलेंगे मेरे जहन में जो फौरी तौर पे आए, पर्ल भी हो सकता है, सही कह रहे हैं आप। ज्यादातर जो आपको स्क्रिप्ट मिलेंगे गिट के थ्रू वो डॉट पीवाई में या एसएच में होंगे, किसमें पीवाई में या, तो पीवाई के स्क्रिप्ट फिर किसमें चलेंगे, पाइथन में, पीवाई के स्क्रिप्ट किसमें चलेंगे, पाइथन में। इमरान इनको कहो क्लास पढ़ा रहे हैं और बात पूछ के आना, क्या सर पूछ रहे हैं क्या कहना था, क्लास के बाद मैं कॉल कर लूंगा। पीवाई के स्क्रिप्ट मैंने क्या कहा किसमें चलेंगे, तो मुमकिन है आप पीवाई का कोई एसएच का स्क्रिप्ट तो समझ लें लिनक्स का अपना ही है, उसके लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और मैंने कहा पीवाई के जो स्क्रिप्ट है वो उसमें मसला हो सकता है। ब्यूटी यह है कि आप जब काली इंस्टॉल करते हैं काली में पाइथन इंस्टॉल होती है, लेकिन पाइथन के फिर मुख्तलिफ वर्जन है, पाइथन के मुख्तलिफ वर्जन है, मैं आपको सिर्फ यूं दिखाता हूं, ये देखें एपीटी इंस्टॉल पाइथन टैब टैब, वो कह रहा 4581 सॉफ्टवेयर हैं जिनका नाम कहां से स्टार्ट हो रहा है, पाइथन से,
जरा गौर से देखें, 4500 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका नाम कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कहा जरा दिखाओ तो ये चेक करो, पाइथन, पाइथन 2.7 और धड़ाधड़ फिर आगे पाइथन 3.something। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए sometime कोई सॉफ्टवेयर ऐसा आप उठाएंगे गिट से जो आपको कहेगा मैं पाइथन में तो हूं लेकिन मुझे स्पेसिफिक पाइथन के वर्जन से रन करो, मुझे किस तरह रन करो, मैं पाइथन 3 पे नहीं चलूंगा, अभी मेरे पास जो है ना, मैं अगर पीवा, मेरे पास ज्यादातर ये पाइथन के टूल इंस्टॉल है, मैंने ये किया, ये देखो मेरे पास इंस्टॉल है पाइथन, पाइथन 2.3 समथिंग। अब जरूरी नहीं आपके पास इंस्टॉल, इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप ये गिट से टूल यूज करेंगे आप एक दफा खपेंगे, और मैं ये खपाना चाह रहा हूं, ये अगर आप स्टेयर नहीं चढ़े तो आप नहीं काम कर सकते काली पे, अगर आप डिपेंडेंट रहे सिर्फ एपीटी के सॉफ्टवेयर के, नहीं, आपको मोस्टली टूल आजकल कहां से उठाने होते हैं, गिट से। और बिलीव करें मेरी कोशिश होती है कि मैं टूल इवन एपीटी में भी पढ़ाए ना तो हम उसे गिट से उठा के ले आते हैं, और हर टूल यूज करने में मसाइल आते हैं, और मसाइल किस नेचर के हैं वो मैं बता ही जा रहा हूं, मोस्टली यही होंगी नेचर कि आप पाइथन का स्क्रिप्ट चलाएंगे, उसने कहना जनाब मैं तो नहीं चलता, मुझे चलाएं पाइथन 2.7 से, तो फिर हम उसको यूं चलाते हैं पाइथन 2.7 आगे उस स्क्रिप्ट का नाम जो भी है abc.py, मैं ज्यूम कर रहा हूं सिर्फ, अब इसको बता रहा हूं तुम चलो और किस पाइथन से 2.7, और सम टाइम वो कहता नहीं मैं पाइथन 3 से चलूंगा तो हम यूं कर देते हैं, लेकिन अगर आप लिखें पाइथन 2.7 आगे वो कहे पाइथन 2.7 नॉट इंस्टॉल्ड, तो इसका मतलब पहले पाइथन 2.7 इंस्टॉल कर, ये आइडिया हो गया। अब पाइथन के जितने अपडेट्स हैं, ब्यूटी ये है कि अभी आपने देखा कुछ 4500 पाइथन के नेम से स्टार्ट होने वाले टूल्स पड़े हुए हैं, ये कॉमन इश्यूज आएंगे और ये रिजॉल्व पता ज्यादातर कहां से होंगे, जहां से गिट से उठा रहे हो ना टूल उसको जरा नीचे स्क्रोल डाउन कर लो, उस पेज पे सारा प्रोसीजर लिखा होता है कि इस टूल को चलाने के लिए ये तरीका अपनाइएगा, वो खुद बता देगा, ऐसे डाउनलोड करें, इस फोल्डर में जाएं, इस स्क्रिप्ट को चलाएं, वो पाइथन 2 है, पाइथन 3 है या पाइथन 2.something है, जो भी है, उसमें अगर कोई इशू आ रहे हैं, कोई लाइब्रेरी का मसला, तो खपेंगे तो कुछ सीखेंगे। समटाइम छोटा छोटा टूल होता है, मैं बिलीव करें इन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, रीटेक कर रहे हैं, आज मैं एक टूल की इंस्टॉलेशन में हुआ भी नहीं है, मैं उसमें समझ लें आम सा काम है, कुछ हुआ मसला मेरी मशीन में और फंस गए, मुझे एक मोबाइल एपीके मैंने ओपन की, फेसबुक लाइट जो आपका एपीके नहीं होती उसको मैंने ओपन किया, मींस उसको हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, उसके अंदर मैंने कोई मिलीशियस कोड डाला, फिर मैंने उसको दोबारा एपीके में बंद करना था, तो नहीं हुई, आम सी कमांड है, छोटी सी कमांड है, उसके अंदर वो एक जे जावा की एक जे आर ई होती है, उसके वर्जन का कोई मसला आ गया और मैं कुछ 4 घंटे खपता रहा उस पर, आने तक मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ था, इश्यूज आ रहे थे कुछ ना कुछ, एक रिजॉल्व हो रहा है तो कोई और आ रहा है, और एक होता है शॉर्टकट मारना, मैं कोई और मशीन पे फ्रेश मशीन पे कर लेता तो हो जाता काम, मैंने कहा नहीं ये क्या है शॉर्टकट, मसला है पीछे पड़ जाओ ताकि कुछ सीखने को मिले, सारे दो साथ रहे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें एक दो मसले नहीं आएंगे, मसालिस्तान आएगा, और इन मसालिस्तान को आपने स्टूडेंट होते ही क्रॉस करना है, ये मैंने डे फर्स्ट कह दिया था कि यहाँ टूल्स की भरमार है और टूल्स फिर एक दूसरे के क्रॉस भी समटाइम खड़े होते हैं, एक टूल चलाएं दूसरा टूल चलाएं, वो कहता है जी फलानी लाइब्रेरी आपकी मशीन में है पहले उसे खत्म करो मैं फिर चलूंगा, कोई और टूल लेके आए वो कहता है फलानी लाइब्रेरी तो है नहीं उसके बगैर मैं चलूंगा नहीं, इस तरह के भी इश्यूज आएंगे आपको, तो ये आप खुद देखिएगा हैंडल करते जाएंगे, और एक ही मशीन के ऊपर जब मल्टी टूल लगाएंगे आपको खुद जितना मैं सिंपल वर्ड कहूं जितना आप उसके अंदर ज्यादा टूल करेंगे उतने ही आपको मसले भी आएंगे, मसले आएंगे तो ही सीखना आएगा, नहीं तो हर दफा फ्रेश मशीन अपडेट नया टूल फिर फ्रेश मशीन अपडेट नया टूल, ये देसी तरीका है अगर आप मसलों से बचना चाहते हैं तो। ये लें जी लूजन पड़ा हुआ है, लूजन साहब का ये देखें कौन सा स्क्रिप्ट है, बैश, ये तो सबसे आसान स्क्रिप्ट है, इसके लिए तो आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है,
जो पुराना वर्जन है उसमें ये डायरेक्ट नहीं चलता, मतलब ये इंस्टॉल नहीं होगा, बस ये टूल आपने कॉपी किया, ये स्क्रिप्ट चलाओ, चल पड़ेगा। आइडिया हुआ? लेकिन ये अपने अंदर ही अंदर एक स्क्रिप्ट में ये चेक करता है कि इसके चलने के लिए जो जो इसको सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर ना हो तो ये नाम बता देगा, पहले फलाना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। ठीक, ये है नया वर्जन। जो इसका पुराना वर्जन है ना, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब आप ना पाथ लिखिएगा, वो तो मैंने कहीं रखा हुआ है, आपको तो वहां नहीं मिलना। ये वाईफाई में जाऊं तो फ्लगजन के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखें जरा, ये जो फ्लगजन पड़ा है ये पुराना टूल है, बल्कि पुराना ये भी नहीं है, ये यही पुराना है, याद आ गया मुझे, ये पुराना है और जो वाईफाई प्लगइन है और ये नया है। देखें कुछ फर्क नजर आ रहा है, ये भी फ्लगजन डॉट एस एच, यहाँ पे भी फ्लगजन डॉट, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फोल्डर मिल रहा है। और जो पुराना टूल मैं आपको भेजूंगा, जो मैंने कहा मेरे नजदीक अभी भी नए से बेहतर है, वो थोड़ा स्टेबल है, पुराने में उन्होंने उसके अंदर चीजें कुछ डाली है, ईमानदारी से मुझे नहीं पसंद आया, और मैंने अटैक किए हैं, यूं समझ लो 10 में से 7 में वो फ्लॉप हुआ, और पुराने टूल में से 10 में से 10 में ही उसने काम किया, बाकी आगे क्लाइंट फंसे ना फंसे और बात है, पुराने टूल में एक दफा भी वो इधर उधर नहीं हुआ, आज हो जाए तो बड़ी बात है। तो क्योंकि ये अक्सर देखा गया है, जब हम क्लेम करते हैं उस दिन अमरीका हमारी बातों के आड़े आ जाता है, ऐसे ना जी भाई, क्योंकि वो अमेरिकन सदर कान लगा के डायरेक्ट मेरे लेक्चर सुनते हैं। आपको मजाक लग रहा है? जिसने दिल में भी बुरा बनाया वो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। ओके ओके, हम 10 मिनट से मुसलसल पढ़ रहे थे, बीच में जुगत नहीं आई थी, मैं खुद सोच रहा था ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है। तो अब इस टूल में, अब ये मैं आपको वे ऑफ गेट बता रहा हूं, बेसिकली ये जो ये टूल है आपके सामने जो मैं बैठा हूं, ये पुराना टूल है, इसमें हम पहले जाते थे इंस्टॉल के फोल्डर में, यहां देखें अगर आप गौर से तो इंस्टॉल डॉट एस एच का भी एक स्क्रिप्ट पड़ा है, पहले हम ये चलाते थे। ये इस टूल को क्या करता था, बेसिकली इस टूल के अंदर जो जो चीजें इसको चाहिए थी वो इंस्टॉल करता। तो नए टूल में क्या है, नए टूल में बेसिकली उसने ये स्क्रिप्ट भी मेन स्क्रिप्ट के अंदर ही डाला हुआ है। जाग रहे हो ना? तो अब बात को करते हैं स्मॉल, जो आप टूल यूज करेंगे उसमें सिर्फ उसको डायरेक्ट चलाएंगे, लेकिन वो इतना शरीफ नहीं है कि डायरेक्ट चल जाएगा, उसने कम से कम भी आधा घंटा लगा देना है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप फ्लगजन डॉट एस एच चलाएंगे वो आपकी मशीन को अपडेट करना शुरू कर देता है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो उसे चाहिए वो ऑटोमेटिकली उनको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो अगर ना हुए तो मुमकिन है वो 10, 15, 20 मिनट लगा दे, जब एक दफा हो गए फिर जैसे स्क्रिप्ट चलाएंगे उसने 2 सेकंड में चल जाना है। क्लियर हुई बात? तो मेरे पास ये टूल पड़ा है, मैं इस टूल को चलाता हूँ। स्क्रिप्ट चलाने का तरीका होता है डॉट स्लैश स्क्रिप्ट का नाम, डॉट स्लैश स्क्रिप्ट का नाम, अच्छा ये तो हम चला रहे हैं पुराना, क्यों ना पहले जो मैंने नया डाउनलोड किया है वही दिखा दूं। लेकिन अगर उसने अपडेट पे मेरी मशीन को लगा दिया तो मैं कंट्रोल सी कर दूंगा। ये मेरे पास पुराना टूल पड़ा है, नया मैंने कहां रखा था, रूट वाईफाई फोल्डर के अंदर, प्लगइन के अंदर। यहां अगर आप देखें तो कहीं इंस्टॉल का स्क्रिप्ट नजर आ रहा है आपको? यहां सीधा सीधा क्या है, बस ये टूल चलाओ। और अगर आप इसके पेज को पढ़ें तो पेज पे भी यही बता रहा है, यही स्टोरी सुना रहा था। अब आपको स्टोरी समझ आएगी, मैंने कहा एक दो आपको तरीका बता दूं कि बार बार हमारा पाला पड़ेगा। ये देखें गिट क्लोन उसने डाउनलोड किया और कहता जी डाउनलोड करने के बाद आप उस फोल्डर के अंदर जाएं और उसके बाद क्या चला लें, उसके स्क्रिप्ट को, बस चल गया। उसके बाद ये मजीद बता रहा है जी आर्क लाइनक्स, ये और है, आर्क लाइनक्स पे चलाना हो तो ये तरीके हैं। रहने दो, मैं यहां तक मेरी बात खत्म होती है तो ठीक है, हम यही करते हैं। यहां पे डॉट स्लैश, मैंने इस टूल को चला दिया,
ये देखें क्या किया इसने, मिस किया आपने, फिर चला रहा हूं स्टूल को, देखिएगा स्टूल को मैंने जैसे चलाया, देखिएगा इसने क्या किया। सबसे पहले इसने चेक किया इससे कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, सारे इसने ओके किए कि नहीं किए, कि सब हैं मेरे पास। तो क्या ख्याल है आपके पास भी होंगे सब, जो सॉफ्टवेयर ना हुआ ये वहीं रुक जाएगा, ये आगे नहीं आएगा, सिलेक्ट योर लैंग्वेज, ये वहीं रुक जाएगा कि पहले ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। और ये याद रखो इसको जितने सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो आपकी रेपो में पड़े हुए हैं, वो आपकी, तो जो सॉफ्टवेयर ये मिसिंग कहे भाई वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं मिला, जब सॉफ्टवेयर मिसिंग होगा तो ये आगे चलेगा नहीं, तो फिर उसको कैसे इंस्टॉल कर लेंगे, एपीटी इंस्टॉल जो इसने मिसिंग सॉफ्टवेयर का, तो पहले ये आपसे लाड पूरे करवाएगा, ये वाला सॉफ्टवेयर करो, ये करवाओ, ये करवाओ, पाइथन का ये वर्जन कर दो, एयर क्रैक को अपडेट कर दो, बीच में पैरट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, एक्स वाई जेड जो भी इसके प्रोसीजर हैं। तो अब मैं कौन सा टूल चला रहा हूं, मैं इसका पुराना वर्जन ये वाला, इसमें जब हम इसको चलाते थे ना प्लगइन डॉट एसएच तो ये डायरेक्ट चलने के काम आता था। इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हो तो पहले जाके इंस्टॉल फोल्डर में कौन सा स्क्रिप्ट चलाएंगे, इंस्टॉल डॉट एसएच, फिर आके इस टूल को चलाएंगे, ये पुराना वर्जन है, बात समझ आ गई। अब आपकी मर्जी है, मैं ये पुराना समझा देता हूँ, नया भी फिर दिखा देता हूँ, फर्क भी आपको समझ आ जाएगा। और ये सबसे आसान टूल है एसएच टूल जो है पाइथन वाले, उसमें कुछ पिप की टूल्स आ जाते हैं, मैंने कहा ना अगले 3-4 लेक्चर्स में मुख्तलिफ आपको वे पता लग जाएंगे कि गिट से उठाए हुए टूल्स किस तरह से आप यूज करते हैं। कोई कुछ कमांड्स हैं जो अलहदा से हुई वो मुझे भी रटी हुई नहीं होती, बिलीव करें, वो हम कहां से देख लेते हैं, वो उसके गिट के अपने पेज पे देख लेते हैं कि भाई साहब तुम चाल तो नहीं रहे हो। और मेरे पास यकीन माने अगर कुछ 200-250 टूल मैं यूज कर रहा हूं ना तो उसमें से कम अज कम कुछ 70-80 टूल ऐसे हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं लेकिन वो चल नहीं रहे, मीन्स मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने उठाए उनके कुछ चलाने की कोशिश की, कुछ उसमें मसले आए मैंने छोड़ दिए, ये भी होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ले जनाब मैं इस टूल को चला रहा हूँ प्लगइन डॉट एसएच, क्या क्वेश्चन किया था बच्चे, ये ले जी बोले ओल्ड वर्जन मिल जाएगा, हाँ जी 10,000 रुपये में मिल जाएगा, लें क्या याद करेंगे आप मैं आपके इंशाल्लाह भी ग्रुप पे अपलोड करवा दूंगा, मैं साइज देख लेता हूँ, नहीं तो कोई इमरान को कहता हूँ आज ही इंशाल्लाह ये आपसे शेयर कर देगा। ये जनाब ये ओल्ड वर्जन है ये, और अब जनाब लिखने से तवज्जो हटा लीजिएगा, एक दफा इस टूल को मेरे साथ मिलके चला लेते हैं, बिल्कुल नहीं लिखना, और अगली दफा पे देख लेंगे नेक्स्ट स्टेप है, तो स्टेप लिखने क्या है, ये स्टेप एक दो दफा देखेंगे आपको याद आ जाएंगे, जब सामने चलाएंगे तो आपने जो कोई बात हो लिखने वाली लिखेगा। अब लिखने से जरा तवज्जो हटा लो, मैं कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा हूँ जनाब इसमें, कि हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, वन वो कहता है जी सिलेक्ट चैनल, तो क्या यूज कर रहा हूं मैं इसमें, अच्छा आप तवज्जो समझिएगा, मैं बेसिकली अब कोई चैनल स्कैन करूंगा, चैनल स्कैन करके उसके ऊपर मैं बेसिकली डीऑथ करके उसकी पहले क्या उठा के ले आऊंगा, फोर मैन चेक, फायदा क्या होगा उससे, बाद में डीऑथ करूंगा और फेक एपी भी बना लूंगा, और फेक एपी में इंतजार करूंगा कि वो पासवर्ड क्या करे, टाइप करे, जब वो पासवर्ड टाइप करेगा उसने पासवर्ड ठीक टाइप किया या नहीं उसके टेक्स्ट को फोर वे हैंडशेक के साथ क्या करा दूंगा, मैच करा दूंगा। अगर मैच हुआ तो ये बता देगा कि जनाब उसने सही टाइप किया, मुमकिन है वो है मैं एबीसी एक्सवाईजेड करके आगे चला जाए, तो ये आपको बता देगा कि जनाब क्लाइंट ने, आपने भी फिशिंग की, क्लाइंट ने भी ताड़ी चास लाई, गल समझ आए, तो उस कंफर्म करने के लिए कि आपका पासवर्ड ठीक है पहले क्या उठाना है, फोर वे हैंडशेक। जी शिराज भाई वापसी मिलती जाने रखता हूँ, यस
शहरयार खान आप नहीं भाई मोहम्मद अमजद अब्दुल्ला राहिल चलें जी ठीक है थैंक यू सर ऑल चैनल्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये लें जी अब ये थोड़ा सा ब्लर सा रिजल्ट आता है स्कैन करने में तो थोड़ी सी देर इसको स्कैनिंग पे लगे रहने देते हैं ठीक है छोड़ दो और अब जाके मैं इस स्कैनिंग को कुछ यूं रोक लेता हूं बस यहां से क्या कर लें क्रॉस ये रिजल्ट आ गया आपके सामने इसमें देखें कुछ येलो कलर में आ रहे हैं कुछ रेड हैं और स्टार भी लगा दिया इसने और नीचे उसने लिख दिया कि सेलेक्ट टारगेट और ये लिखा है बल्कि जिसके साथ उसने स्टार लगाया रेड किया इसका मतलब उनके क्लाइंट्स भी हैं इसके उसके क्लाइंट भी मिले हैं ये माइमा वाईफाई और टीपी समथिंग मुमकिन है थोड़ी देर स्कैनिंग के बाद इसके कोई क्लाइंट भी ढूंढ के ले आता तो ये थोड़े शायद दूर होंगे इनके क्लाइंट्स तक तो ये नहीं पहुंचा और ये उनकी पावर भी बता रहा है कि कितने नियरेस्ट हैं तो कमाल ये है कि ये हिडन है नियरेस्ट है लेकिन इसका कोई क्लाइंट नहीं है तो अब इसमें से हम किसको विक्टिम बनाएंगे इसका नंबर क्या आ रहा है 13 तो ये लें जी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं नंबर 13 ठीक देखो क्या कहता है क्या करना चाहते हैं मैंने कहा मैं फेक एपी बनाऊंगा इसका मल्टी ऑप्शन है वो कह रहा जी नंबर 1 नंबर 2 तो रिकमेंडेड उसने कहा किसको सेलेक्ट कर लो 1 को ठीक वो कहता है जी आप हैंडशेक पकड़ेंगे बस यहां पे एंटर कर दें आप कहें ठीक है पाथ नहीं देना ये बस आप एंटर कर दें जो डिफॉल्ट पाथ है ठीक है अच्छा फिर क्या कहता है हैंडशेक चेक हैंडशेक जब मैं आपका हैंडशेक पकड़ लूंगा बाद में क्लाइंट के सामने फेक एपी भी बनाऊंगा वो कुछ टाइप करेगा आपके हैंडशेक और उसके टाइप किए हुए वर्ड को आपस में क्या करना है मैच उसके लिए कौन सा टूल यूज करूं एयर क्रैक और पैरट अच्छा मैंने देखा है यहां अगर एयर क्रैक मैंने यूज किया एक दो दफा इसने मजा नहीं दिया इस टूल में वैसे एयर क्रैक ठीक है और वो खुद भी आपको कह रहा है कि एयर क्रैक यहां यूज ना करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन यूज कर लें और पैरेट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता जब आप ये टूल चलाएंगे ना तो आपको पहले पहले यही कहेगा पैरेट इंस्टॉल करें और पैरेट आपकी रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है आइडिया हुआ शहरयार तो ये लें जी अब देखो ये क्या कहता है डी ऑथ किस पे डी ऑथ ऑल किस पे कौन सा मतलब मेरे इर्द गिर्द जितने एपी चल रहे हैं हम सिलेक्ट कर चुके हैं रेड हैट तो ये रेड हैट पे डी ऑथ ऑल उसके उसके ऊपर और उसके क्लाइंट्स पे ऊपर जो दो क्लाइंट हैं तो मैं कह रहा हूं यस डी ऑथ ऑल अब ये देखिएगा ये डी ऑथ चल रहा है और ये उसके क्लाइंट हैं यहां देखें कोई डब्ल्यूपीए हैंडशेक आया कि नहीं आया आ गया ना ये मसला है न्यू टूल में मैंने कहा अगर 10 दफा मैंने ट्राई किया ना तो 7 दफा 10-10 मिनट भी बैठे रहे ये फोर वे हैंडशेक बड़ी देर से लाता है जो नया वर्जन है इसी का
और ये बड़ा ही जबरदस्त टूल है, ये मिंट मारता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, मुमकिन है पिछले कुछ दो चार हफ्तों में अपडेट हो गया हो, बेहतर हो गया हो जो इसका नया वर्जन है, नहीं तो मैंने उसको ये एक्सपीरियंस में देखा कि टाइम बड़ा लगाता है, उसका डी आर्च बहुत मजेदार नहीं है। अच्छा, अब ये कहता है चेक करें आपको प्रॉपर हैंडशेक मिला कि नहीं मिला, वन प्रेस करके चेक करें। तवज्जो से समझिएगा, वन प्रेस करें, अगर हैंडशेक सही मिल गया हुआ तो ये आगे चला जाएगा, खुद ब खुद आगे चला जाएगा। अगर सही नहीं मिला, ये बता रहा है हैंडशेक मिला, समटाइम करप्ट होता है, दूर से पैकेट आता है, दूर से पैकेट आते हुए मुमकिन है हैंडशेक आपका प्रॉपर राइट नहीं हुआ, ये चेक करता है। अगर हैंडशेक प्रॉपर मिला तो ये आगे जाएगा, अगर नहीं मिला तो आपको कहेगा नहीं मुझे अभी भी हैंडशेक सही नहीं मिला, ये दोबारा ट्राई करेगा। तो मैं क्या प्रेस करूं, वन, ये लें जी आगे चला गया, इसका मतलब इसको प्रॉपर हैंडशेक मिला। अब ये कहता है क्रिएट एसएसएल सर्टिफिकेट, फेक एसएसएल सर्टिफिकेट, ये जो फेक पेज बनाएगा ना वो क्लाइंट को ऐसे लगेगा बड़ा सिक्योर पेज है। आप कहें जी ठीक है जी, यस वन, ये लें जी। यहां पे क्या कहता है, वेब इंटरफेस बनाऊं, सीधे सीधे ऑप्शन है ना, और ज्यादातर मैं वन 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 सिलेक्ट किए जा रहा हूं। मैंने कहा यस वेब इंटरफेस बनाओ फेक एपी के लिए, और वो वेब इंटरफेस किस लैंग्वेज में हो, ये इतनी सारी लैंग्वेज आए और कुछ पोर्टल भी आए, इसमें से देखिएगा नंबर वन पे क्या होता है। तो मैं फिर वन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये लो जी। अब ये देखो एक एपी बना रहा है, फेक एपी। अब ये क्या करेगा, एक्चुअल रेड हेड के ऊपर क्या चला देगा, डी ऑथ। एक्चुअल रेड हेड पे इसने क्या चला दिया, और फेक एपी चला के ये बैठ गया, और अंदर अंदर डीएससीपी सर्वर भी चला दिया। जब फेक एपी से कोई कनेक्ट होगा यहां पे ये आपको बताएगा भी कि हाँ एक बंदा कनेक्ट हुआ है, एक बंदा कनेक्ट हुआ है, और जैसे वो कोई पासवर्ड देगा, जैसे ही वो कोई पासवर्ड देगा इसने पकड़ के क्या करना है, उस टेक्स्ट को, इसने फोर वे हैंडशेक पकड़ी हुई है ना, उसके साथ क्या कर देगा, मैच। ठीक हुई तो ठीक, नहीं तो। अब इस टूल में जो मसला है वो भी बताता हूं। ये उल्लू का पठा टूल ऐसा है कि चाहे क्लाइंट गलत एड्रेस वो दे दे, टेक्स्ट या पासवर्ड दे दे, तो ये मैच करके बता देगा गलत है या सही, बीच में से निकल जाएगा। तो बेहतर तो ये है कि ये चलता रहे, फिर मैं इसे कहूं ओके निकल जाओ। तो जो दूसरा टूल है वो उसके इतने स्टेप भी नहीं है आसान, वो चलता रहेगा जब तक उसको प्रॉपर पासवर्ड ना मिला। तो मैंने कहा छोटे छोटे टूल्स हैं, किसी में कुछ चीजें अच्छी हैं, किसी में कुछ अच्छी नहीं है, कुछ वर्जन एक्सपीरियंस के साथ आपको आइडिया मिलेगा। तो अब मैं आपको यहीं दिखा भी देता हूं, अगर आपको यहां दिखाऊं आपको, ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी नजर आ जाए। चेक करो, वैसे ये इस तरह से नाम देता नहीं है, ये फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ कि ये रेड हेड टू क्यों दे रहा है, मोबाइल पे इस तरह में नहीं आ रहा। जरा मैं सर्च करूँ, आप जरा देखें सर, मोबाइल पे सही आ रहा है रेड हेड, यहाँ पे ये इसने टू डाल दिया। लैपटॉप में आपको क्या आ रहा है जी, ये देखें मैं नहीं कनेक्ट हुआ, कोई एक बंदा कनेक्ट हुआ, ये उसको आईपी मिला। ठीक है, जो बंदा कनेक्ट हुआ दिखाओ बच्चे जरा, जैसे ही ये साफ कनेक्ट होंगे, मैं अपनी मशीन पे देखता हूं, मे बी मेरा कनेक्शन नहीं जाएगा क्योंकि नेट तो चलना नहीं, मेरा नेट ही ना चला जाए, मुझे ये मसला है। मैं दिखा दूंगा आखिर में, पहले मैं सिर्फ या चलो यार ये चलाते हैं, ऑनलाइन सेशन ही ना टूस हो जाए। हो रहा है ना, मैं हाँ जी, दो वेब टेम्पलेट आया, वेब टेम्पलेट दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ जरा। मैं असल में खुद नहीं कनेक्ट होता, मेरा अपना सेशन ना डिस्कार्ड हो जाए। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। चलें दिखाएं मुझे,
लिखा है। अब सामने वाले देख लें, बाकी इतबार कर लें। इस तरह से आपके सामने जैसे आप कनेक्ट करते हैं ये देखेंगे वेब पोर्टल से आ गया, भाई नेट नहीं चल रहा, कोई मसला आ रहा है, और अपनी रेड हेड का पासवर्ड क्या करें दोबारा दें। पासवर्ड आपने सही टाइप किया बाबा जी, ये लें जी, जैसे मैंने किया ओके तो दे दे। नाम आप करें बच्चे, बल्कि मैं ऑनलाइन कर ही देता हूं। कनेक्ट करते हैं इसको, क्या आ रहा था जी, रेड हेड टू कनेक्ट। ये लें जी, वो इस तरह से आपके सामने पोर्टल आएगा, हो जाओ लोड। केड़ा पोर्टल आ गया, तो बाजी गाने गा रही है, हैं? अब अमेरिका आ गया, अब हम कहेंगे इसमें क्या आ गया, अमेरिका मुलव्वस हो गया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हम प्रॉपर वे से काम करें। यार ये लोग कह रहे हैं कि यार इस क्लास को जो ना सारी क्लास को ऑनलाइन कर, हाँ नेक्स्ट पॉसिबल नहीं है, फ्राइडे वैसे ऑफ है और सॉरी वेनेसडे वैसे ऑफ है, तो कर ठीक है, हम फ्राइडे से ठीक हो गया। अच्छा हम खुद चला रहे हैं, दिखा भाई चौधरी दूसरा आईपी चल रहा है, मांग रहा है ना, नहीं एपी चला था पासवर्ड उसने, ये देखो एक मिनट ये आएगा, ये देखो एक रेड हेड हुआ, एक पे चल रहा है और दूसरा जैसे आप कनेक्ट करते हैं चेक इन क्वालिटी ऑफ इंटरनेट और फला फला फला, वो लो पीछे चल जाओ। इमरान साहब ने एंड टाइम पे हमारा कोई नहीं काम किया, चल जाओ भाई साहब, ये तो बड़ा आसान काम है, अमेरिका पे डाल के निकल जाएंगे, है ना। लें जनाब ये पासवर्ड हमने दिया, और पासवर्ड मिलते ही इसने क्या किया, की को मैच किया और साथ ही कहा कि आपकी की फाउंड हो गई। पॉइंट समझ आया। अब ये वेब पोर्टल अब मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अगर मैं खुद उससे कनेक्ट हुआ तो मैं यहां से डिसकनेक्ट हो जाऊंगा, मेरा अपना सेशन जाता रहेगा, तो बल्कि अगली दफा मैं मोबाइल की स्क्रीन ऑनलाइन एक्सेस करके कुछ सीन बना लेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या चीज है, ये एक तरह से आपकी एपी फिशिंग है। और अब यही मैं आपको दूसरे टूल से चला के दे देता हूँ, स्क्रीन शॉट, बच्चे स्क्रीन शॉट है तो इमरान शेयर करो, वो जो आपके सामने वेब पोर्टल की बनती है वो शेयर कर दो, अब तो शायद बनेगी भी नहीं, ये भेज देंगे बच्चे, कोई नहीं आप ये टूल यूज करें, और ये भी टूल आपने भेजना है सबको, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपको दिखाता हूँ यही अगर हम नए टूल से चलाएं, यही काम अब हम नए टूल से चलाते हैं। मैं चला जाता हूँ जी वाईफाई यहाँ पे, इसने बेसिकली अपने काम को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले ये क्या करता है, फोर वे हैंडशेक कैच करता है, फिर ये वापस आता है कहता है वेब पोर्टल बनाना है, एपी बनाना है, तो एपी के लिए ये दोबारा आपसे एक विजिट चलवाता है, और फिर फोर वे हैंडशेक और एपी को आपस में मैच करता है, जिसमें ये अपनी परफॉर्मेंस कुछ लूज कर गया था। लास्ट मंथ तक तो मैंने इसे चेक किया था, मुझे मजा नहीं आया, इवन मैंने कोई 8-10 ट्राइयां की इस पे, फिर लास्ट क्लास में भी मैंने इस टूल के बजाय प्रीवियस वर्जन जो मेरे पास पड़ा हुआ है मैंने फिर वही यूज किया। लें जनाब चलाते हैं, इसने भी सबसे पहले देखें चेक किया कि सब कुछ इंस्टॉल है। अब यहाँ पे इंग्लिश किस नंबर पे है, यहाँ पे इंग्लिश नंबर
पांच पे है, ठीक है, सिलेक्ट करो। देखो यहाँ यहीं पे इसने कह दिया कि जनाब आपको दो दफा अलग अलग काम करना पड़ेगा। वो कहता है हैंडशेक पकड़ना है, ठीक है, पहले आप अटेम्प्ट नंबर टू, जब हैंडशेक पकड़ लो तो फिर वापस आ जाना, कैट आप पोर्टल बनाएंगे जिसको फेक एपी कहते हैं। बस थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, दो सेगमेंट कर दिए इसी टूल के। वो एक ही विजिट में चलता जाता ना, आपका हैंडशेक मिल गया, हैंडशेक मिल जाए तो आप चेक करते हैं तो आगे वो एपी बना देता है। यहाँ पे हैंडशेक मिल गया, ये कहेगा काम खत्म, अब वापस जाओ इसी पेज पे आके फिर क्या करना, पोर्टल बनाना। तो एक तो इन्होंने ये थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन परफॉर्मेंस मुझे लास्ट टाइम इसकी बेहतर नहीं लगी। पहले हम यकीनन क्या करेंगे, पोर्टल बनाएंगे या हैंडशेक पकड़ेंगे, हैंडशेक पकड़ेंगे। ये ले जी टू, वो कहता है जनाबे वाला ये मसला, किसके थ्रू आप हैंडशेक पकड़ेंगे। अच्छा आप देखें तो फर्स्ट टाइम चलाएंगे ये आपको एक ही नाम मिलेगा, ये आपके जो वायरलेस कार्ड है इसके दो सेगमेंट बना देता है। ये देखें मॉन जीरो डब्ल्यू लैन जीरो, तो मैं कौन सा नेटवर्क कार्ड सिलेक्ट करूंगा, डब्ल्यू लैन जीरो, तो मैं कहता हूं नंबर टू। वही सारे चैनल्स के ऊपर क्या करें जी, डी ऑथ, ये लें जी, ये एक तरह से कनेक्ट कर लें बच्चे। ये लें जी, बहुत हो गई स्कैनिंग, क्रॉस किया, जैसे मैंने क्रॉस किया तो ये आपके सामने आ गए। थोड़ा सा रूम वन समथिंग, इसमें से ये लास्ट में आ रहा है 12 नंबर पे, जिसको हम बार बार विक्टिम बना रहे हैं, नंबर 12। तो इसमें क्या कहता है, सिलेक्ट वायरलेस इंटरफेस डब्ल्यू लैन जीरो, मैंने कहा यस। अब ये क्या कहता है देखें, सिलेक्ट मेथड ऑफ हैंडशेक, क्या करना है, मॉनिटर मोड और एयरप्ले अग्रेसिव और समथिंग, कहते किस तरह से आपने पकड़ना है अपना फोर वे हैंडशेक। तो मैंने कहा नंबर वन पे, वो कहता है जनाब सेलेक्ट इंटरफेस फॉर मॉनिटर मोड, मैंने कहा वन, क्या पूछी जा रहा है, वेरिफिकेशन हैशेस। वो कहता है जब मैं पकड़ लूंगा हैश, क्या नाम है फोर वे हैंडशेक, तो मैच किससे करूंगा, एयर क्रैक एनजी या, और इसमें से मैंने कहा था कौन सा यूज कीजिएगा, पैरेट, इस टूल में बेहतर है पैरेट। तो अब ये हमें स्टोरियां आगे सुना रहा है जी, जब मैं अटैक करूंगा तो अगर मैं 30 सेकंड तक अटैक जारी रखूं, मुझे फोर वे हैंडशेक ना मिले, तो इंटरवल क्या रखूं, 30 सेकंड बाद फिर शुरू हो जाऊं, मैंने कहा यस, हर 30 सेकंड तक दोबारा अटैक करना जब तक फोर वे हैंडशेक ना मिले। वो कहता जी मैं फास्ट काम करूं या स्लोली स्लोली, तो मैंने कहा स्लोली स्लोली, बस काम कर देना। इसको कहते हैं एम ए रोले बता रहा है। तो अब देखो जी, अब ये आज अगर चल पड़ा तो ठीक, नहीं तो हमने तो पहले कहा था कि इसके पेट में दर्द रहता है, और यहाँ पे ऊपर आएगा फोर वे हैंडशेक को मिला कि नहीं मिला, और ये नीचे आपको मैसेज भी देगा कि फोर वे हैंडशेक मिला या नहीं मिला। अगर फोर वे हैंडशेक मिल जाए तो ये आपसे कहेगा कंटिन्यू, मैं कहूंगा यस, ये फिर आपको ले जाएगा पेज, कौन से वाले पेज पे, कैप्टिव पोर्टल, फिर आप कहेंगे यस, अब क्या बनाओ, पोर्टल बनाओ, सेम वही बनाएगा, अच्छा जी एपी बनाना है, यस बना दिया। तो अब ये इंतजार करता रहेगा उसका, और ये भी डी आर चला के पासवर्ड ले आएगा, पासवर्ड सॉरी टेक्स्ट ले आएगा, और उस टेक्स्ट को फिर मैच करेगा। यहां से अंदाजा लगाओ और पिछले टूल का अंदाजा लगाओ, मेरा ख्याल 2 सेकंड में उसने पकड़ के दे दिया। इस पे मैंने कई दफा 10-10 मिनट भी लगाए, ये फोर वे हैंडशेक नहीं पकड़ता, ये न्यू है, पर यहाँ नीचे मैसेज आएगा जैसे ये फोर वे हैंडशेक पकड़ेगा, ऊपर भी यहाँ मैसेज आता है, नीचे इसने बता देना कि हाँ जी मैंने कैच कर ली। क्लियर हुई बात? तो मैं दोबारा अनाउंस कर रहा हूँ जी, हमारी क्लास
वेनेसडे, हाँ जी वेनेसडे मैं बिजी हूँगा, नहीं तो अगर ऑनलाइन ही है तो मैं फिर आउट ऑफ स्टेशन भी ऑनलाइन दे सकता हूँ, मेरी कोई थोड़ी सी पर्सनल मसरूफियत है, कोई तो है पर एक मिनट बच्चे में अनाउंस कर दूँ। तो अगेन मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारी हमारा सेशन वेनेसडे को नहीं है, इंशाल्लाह फ्राइडे और वो भी ऑनलाइन। तो आप जाते हुए आप जितने सामने लोग बैठे हैं फिर इमरान से कहें ग्रुप का हिस्सा फिर बन जाइएगा, क्योंकि आईडी आपको फिर ग्रुप पे मिलेगी। और सेशन इम्पोर्टेंट है, मजेदार है, सामने बैठे तो बड़ा मजा होना था, लेकिन अब क्या करें, अभी ये 10-15 दिन का लॉकडाउन है, फिर मुलाकात होगी, कुछ सेशन है तो मेरा ख्याल 1 अप्रैल के बाद शायद खोल दें, या फिर रमजान तक शायद ये चला ही रखें इस तरह से। तो अब उसमें तो हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो लें जनाब, ये अभी तक मिस्टर नाकाम है, और इस मिस्टर नाकाम को हमने पहले अनाउंस कर दिया था, इसमें अमेरिका के साथ ये लो जी, हमने कहा बाढ़ में जाओ तुम काम नहीं करते हो, और इधर से भी मैंने कहा बाढ़ में जाओ, और यहाँ से मैंने कहा टू एग्जिट, और इसको कहते हैं दाल फैन हो जाओ, तुम तंग कर रहे हो मुझे। तो जनाबे वाला मैं अभी आपसे शेयर करूंगा टूल, तो आप किस तरह से शेयर करेंगे स्टूडेंट्स? चला जाता है लिंक, इस साइज का लिंक साइज में देख लेता हूँ क्या साइज है, बस जो करना ही आपने करना है, शिकायत ना आए इमरान भाई, शिकायत आई तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, और आप मेरी नाराजगी अगर लेना चाहते हैं तो फिर स्टूडेंट्स को आप आपका नंबर मैं लिख दूं, तो चले मैं आपका नंबर लिख देता हूं जनाब, बताएं जी। मैं इमरान साहब का नंबर लिख रहा हूं, ये टूल देना अब इमरान साहब की जिम्मेदारी है, आप इमरान साहब को कॉल करें, व्हाट्सएप करें, एसएमएस करें, बड़े बड़े वॉइस मैसेज भेजें, जब तक ये टूल आपको ना भेजे, और फ्राइडे से पहले ये टूल आपको ना मिले तो फिर एक व्हाट्सएप मुझे भेज दें कि इमरान साहब लिफ्ट नहीं करा रहे, अंदर अंदर इमरान साहब एसएचओ हैं, बस ये ख्याल कीजिएगा, नंबर लिखवाएं जी, 2 मिनट के हैं, 2 मिनट बाद ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ जी ग्रुप में ही शेयर कर रहे हैं, 03-22-40-64-6-4-6-0-0-0-0। ये जी हमारे उस्ताद मोहतरम इमरान साहब का नंबर है, और ये आपको अभी ग्रुप में शेयर करेंगे, किसी को मसला हो तो इमरान साहब से फिर राब्ता कर लें। तो अभी हमारे पास कितना टाइम रह गया, वो टाइम तो ऊपर हो गया अच्छा खासा, तो अगली क्लास मेरी क्या कहते हैं उतावली हो रही होगी। इमरान साहब मीटिंग अनलॉक कर दें। जनाब मैं अनाउंस कर दूं, नेक्स्ट सेशन हमारा वेनेसडे नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह ताला अब फ्राइडे, और सेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बड़ा मजेदार सेशन है फिशिंग का, तो उम्मीद रखूंगा उस सेशन से पहले पहले आप ये वाली लैब कर चुके होंगे। दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज। हाँ जी व्हाट्सएप भी ग्रुप पे आ जाए, इस पे कैसे करें, तुम वेब व्हाट्सएप नहीं यूज किया, ब्राउजर पे वेब व्हाट्सएप कर लो, फिर डाउनलोड कर लेना सिस्टम पे। चिटा भाई क्या करते हो, चलें जी लिनक्स की अभी क्लास है, 2 मिनट मुझे सिर्फ दे दें, मैं अजान भी सुन लूं फिर शुरू करते हैं जी।
अस्सलाम वालेकुम। Thank you.